गुड मॉर्निंग भाइयों को। अभी बज रहे हैं भाई सुबह के 7 और अब दिन बढ़ गया है। और आपका भाई देखो आ गया है दंड बंड मारने, एक्सरसाइज करने, ऑल अलोन एक्सप्लोरिंग माई सेल्फ। मैंने सोचा यार मैं घूमने, मतलब सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ, वहाँ इतनी दूर दूर जा रहा हूँ, अपने गांव में जो वो कहते हैं ना ये रील फील्ड में एक्सप्लोर योर सेल्फ, सोलो ट्रैवल में ये होता है वो होता है, भैया अपने कोटरा पे खड़ा हूँ अपने खेतों के पे फिलहाल। और इतना अच्छा लग रहा है, पीछे देखो कैमरे में तो नहीं लग रहा बट मैंने बहुत दिन बाद आज सुबह का ऐसे सनराइज़ देखा है, सूर्योदय। आज जल्दी आँख खुल गई, मैंने सोचा चलो फिर सैर सपाटे पे चलते हैं, नींद आ नहीं रही। मैं चलो भाई अब अकेले फुल फन, कोई नहीं, चिल लाइफ दूर दूर तक। ये कमरा इधर, इसमें सो जाओ, कुछ कर लो, एक्सरसाइज कर लो, वट एवर। बैक कैमरा से सुनो कितनी शांति है। है नहीं है भाई बताओ। और ये दिखाऊं अपना कोटर आपको, एक मिनट में दिखाता हूँ भाइयों को जरा। ये देखो भाई इसकी, कह रहा था मैं चलो थोड़ा टहलता हूँ। और इस महशे को जो इसके पीछे पर जम रखी है सफ़ेद रंग की इतनी इतनी, वो उसको निकालता हूँ। देखो हवाई जहाज जा रहा है सफ़ेद गैस छोड़ते हुए। लोग हमारे खेतों पे देखना भाई कितना अच्छा अच्छा कार्यक्रम करके जाते हैं, चिप्स फिप्स। छी यार सुबह सुबह क्या देखने को मिल गया। खैर छोड़ो, एक बार तो भाई पता है इन लकड़ियों के ऊपर इतनी कड़ी लड़ाई हुई है, अभी 15-20 दिन पहले की बात है। ये क्या है ना, ये जैसे वही जो खेत वेत लिए थे, देखो कितनी अच्छी फसल हो रही है इनमें, ये तो ख़त्म हो गया इसमें तो भाई, इसमें हुए ही नहीं ढंग से। तो एक दिन कहा हुआ, मतलब एक दिन मैं आया यहाँ पे तो कुछ लोग इनको चोरी करके लेके जा रहे थे पास वाले गांव से, मैं शायद वीडियो में दिखाया भी था वो वाला चीज़। तो ठीक है उस दिन तो हमने कुछ निकाल ले जाओ, अब तुमने मेहनत करी तो कोई नहीं। बट एक दिन क्या हुआ, कम से कम 10-15 जने और थे, टम्पू लेके आ रखे थे और ढंग से इनको करने लग रहे थे, मैंने रोड पे से देख लिया। तो मैं और मम्मी आए हैं, डेट हमने क्या भाई, मैंने कही अब मैं इन जवाई ना लड़ा रहा हूँ, वो थोड़ी एक अलग वो रहती है ना, तो उनकी लेडीज़ वगैरह गुत्ती हैं खुद हमसे ही कि ऐसा कैसा बोल रहे हो यो ये वो। तो भाई मैंने क्या करा, मैंने 112 फ़ोन किया, सर ऐसा ऐसा हमारे गांव में है रही है चोरी, मतलब हमारे खेतों में चोरी हो रही है, लकड़ी लेके जा रहे हैं भाई। पुलिस आ गई, ठीक यही की बात है। अब पुलिस आ गई, अब वो भी गुल मुल है कि मैं जब आया, मैंने जब भी एंट्री ली उनकी गेल, 10-15 मिनट में आ जाए पुलिस 112 पे, आपको पता होगा। तो भैया पुलिस आई, अब वो भी एकदम खड़े हो गए, क्या हो गया क्या हो गया कैसे। तो फिर उनने बात करी, अरे भाई मुँह तो उसने कही, मुँह तो उसने कही, मैं सबके पास फ़ोन करूँ, पता क्या पता चला बाद में, अजीत भैया ने आधे बाटिप लगा रखी थी। आधे बाटे का मतलब आप समझते हो, और हमको बताई नहीं कि मैंने ऐसे ऐसे लगा रखा है। आधा बाटा होता है जैसे तुम इनको काट देना और आधी तुम ले जाना आधी हम ले जाएंगे, क्योंकि इसमें से वो करना पड़ता है ना, क्या कहते हैं, अलग अलग सा। तो भैया फिर मेरे को इतना गुस्सा आया, फिर मैंने कही पुलिस वालों से, चलो जी सॉरी ये तो हमारी गलती है, हमारे बड़े भाई ने बताया नहीं हमको। मैंने कहा छोड़ो चलो आप परेशान हो कोई बात नहीं, खैर उनका तो काम ही पुलिस वालों का ही है। फिर मैंने कहा काट लो यार, फिर मैं अजीत भैया से बहुत कही कि भाई तुम यार कम से कम बता तो दिया करो, तुमने ऐसे ऐसे लगा रखे हैं, हम तो ये था कि चोरी करके ले जा रहे हैं अपने को बचा लें, लकड़ी बहुत महंगी बिकती है ना ये, और सर्दियों में काम वाम आती है चूल्हे वूल्हे पे, मतलब वो जलाने में। देखो यार इस खेत में कुछ भी नहीं हुआ, गेहूँ वगैरह नथिंग, क्योंकि ये बहुत दिन से बंजर पड़ा हुआ था ना, ऐसे ही ये कीकड़ उग रखी थी, तो वो फर्टिलिटी जो होती है ना सोइल की वो खत्म हो जाती है। अबे धीरे देखो ये इसमें भी कुछ नहीं हुआ, इतना पोर्शन तो खाली रह गया, अबे धीरे धीरे इनमें खाद बीज डलेगा, गोबर फोबर, तब जाके थोड़े से खेत बनेंगे ये। तभी तो कहते हैं मिट्टी को, खेत को आप 3-4-5 साल ऐसे ही छोड़ दो, कुछ मत बो उसमें, खराब हो जाता है वो, फिर कुछ भी पैदा लायक नहीं रहता। वैसे तो इसमें कुछ बना लो कुछ भी, ऐसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, माल होना चाहिए जिम में दम। भाई ये इतनी ज्यादा शॉपिंग कर लिया आगा, भाई क्या चाह रहे हो आप, क्या है ये, मतलब क्या करना चाह रहे हो जिंदगी में, जी रहे शॉपिंग तो, इतनी भाई फल फ्रूट अलग खाएगा, इतने इतने पेप्सी अलग पिएगा, इतने बिस्कुट, इतने नमकीन। भाई आकाश आपका तो ब्याह भी फिक्स हो रखा है आपको देखने वाले आ रहे हैं क्या भाई, मैं कितना नोटी हूँ ना, कितना नोटी हूँ भाई। तो मैं एक्सरसाइज करने के बाद अब आ गया आकाश भाई के साथ लिटिल लिटिल घूमने। देखो अपने फर्म के बाहर जो दुकान है, मौसम कितना अच्छा हो रहा है, पोल्यूशन फ्री भाई। पिछले साल इस टाइम पे ना वो थी होली,
आज के आज के दिन, बट अब 25 मार्च को शिफ्ट हो गई वो घनी दूर। कोई नहीं भाई, टाइम टाइम की बात है, साल साल की बात है। आजा भाई और लेगो अभी। भाई देखो हमने सारा थकना वकना सब कुछ ले लिया है, इसमें मिठाई है अपनी, ठीक है, और भाई हाँ क्योंकि मीठे से ज्यादा चढ़ती बताइए, आकाश कह रहा था मेरे से। भाई संतरा ले लिए, अंगूर ले लिए, केला ले लिए, और भाई ये देखो कोल्ड ड्रिंक वगैरह। बस आकाश ऐसे इसको आप ऐसे पकड़ो, बस एक चीज मेन लेनी रह गई बस, चलो वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है भाई। हाँ। आप चल रहे हो, वो भी नजदीक है, ज्यादा दूर ज्यादा दूर का सफर है नहीं हमारे पास, सब सौदा उपलब्ध ही है। चलो कौन सा लेके आना है आज भाई? सबसे महंगी कौन सी है? सबसे महंगी ब्लैक डॉग कितने की है? चलो गाइस अभी मैं जाता हूँ और पैसे लेके आता हूँ, यहाँ से 10 मिल जाएंगी, 10 बोतल लेके आता हूँ भाई, 16,000 रुपए की पड़ेंगी ना। हाँ। चलो भाई फिर पार्टी करने चलते हैं, अपना सारा सामान लेके। ना माने भाई 10 बोतल निकाल दो भाई। सेरा डेमी भी नहीं कह रहा, कौन पागल आ गए हो? चखने का पूरा सामान सेट है ब्रो, मजा आ जाएगा, नमकीन वमकीन। आज तो फुल भंड हो जाऊंगा ये गुरु, आज तो 1.5 किलो बर्फी भी ले आयो, फेमस वही मिठाई वाला है। और वहां जब मैं तो टेस्ट करने दे रहा था तो थोड़ी सी मिला खबी, हो गई ओवर एक्टिंग। चलो आज हमारे घर आ रहे हैं। चलो भाई पार्टी कर ली, मजा आ गया। अब मैं आया फरीदाबाद घूमने अपने मित्र से मिलने, इससे झारसेतली गांव में। भाई इसके अभी आध घंटा पहले बात हुई, कह रहा आ जा कोई दिक्कत ना है। देखो 12:50 पे बात हुई थी, भाई मैं फोन कर रहा हूँ आके इसके लोकेशन पे, नंबर स्विच ऑफ। यार कैसी कैसी जनता है इंडिया में, यार कैसे कैसे लोग हैं, मतलब पता है कि आने वाला और नंबर स्विच ऑफ कर लिया। मैं ठीक है भाई कोई बात नहीं यार, देखना BF गुडरिच के टैल लगे तो मलूक है यार, ये या आवाज़ भी ना करते होंगे और स्टेबल भी होंगे। मैंने लगवा लिया उसमें वो नकली चाइनीज पब्लिक के चक्कर में आके कि 20 इंच लगाओ, ये बड़े लगाओ, जब मुझे देख के यार ये होते ना टायर ऑल टेरेन, तो ना गाड़ी में कोई ब्रेकिंग इशू बनता, ना कोई रोड नॉइज बनता, और उनका कोई मतलब ऐसे पर्पस भी तो नहीं समझ आता भाई कि ओ भाई मड़ में को कब कितना ही चलाते हैं, मड़ में कोई एक आध अल्लाह ऑफ रोडिंग कर ली उसमें भी फुट रेस्टों को तोड़वा लेते तो कर ली, नहीं तो क्यों नहीं करवा हुआ है भाई। और भाई यू भी छोरा है कसम से, यू जे ऊपर आपका दिख रहा नंबर ये यार भाई, इसके पास ना आधी आधी रात फोन कर लूं तुरंत खड़ो मिले है यू। अभी कह रहा हूँ चल आ जा मैं यहाँ खड़ो मिल जाऊंगा तो आ गए, क्योंकि इसका घर ही है और इसका घर भी वैसे साइड में ही है। और फिर जब कहता है फिर संदीप तू मेरे पास फोन ना करे, जब फरीदाबाद जब तू फोन ना करे मैं डोर, भाई तेरे डर फोन करके आ मैं तू तब स्विच ऑफ कर ले, छोरा डोर ना कोई फोन करे ना कच करे, वो कब भी फोन कर लो तभी रेडी मिल जावे, ये रियलिटी है इसकी। फिर लड़ाई कर तो रह वे यू कि भाई मेरे मुँह ना बुला भाई ये ना चुप नहीं कर जा फरीदाबाद से, खुद ने स्विच ऑफ कर लिया। आज मेरा दिमाग भंट है भाई, मैं बहुत जरूरी काम से आया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है संदीप यार, एक रात भी पहले ही नाट जा कि भैया मैं ना मिल सकूँ, काम है कुछ है। भाई कितना जाम लग रहा है यार, वाह आई एम सो लकी यहाँ का ये बात को जाम आ गया, कोई ठुक पिट को होगा जहाँ तक है भैया बल्लमगढ़ में तो तगड़े जाम लग गए आज, बढ़िया। मैं तो परे की साइड जा रहा हूँ, देख रहे हो भाई ये कितना मजा ले रहे हैं, ऊपर खड़ा होकर मेट्रो वाले राजन हार सिंह मेट्रो चलती है यहाँ से। ओ भाई कितना लंबो जाम, तगड़ी कांड है, वो दिख है पीछे देख रहे हो भाई। एक तो जल्दी उल्टो बंडा सिटी बार चतुर, ये यहाँ तक भी लगती चले जाएगा, सैड लाइफ भाई। तो हमारा दोस्त आ गया है और मुड़ान के सुना भाई कैसा है। तो भाई की मैं भाई की बता रहा था, तो भाई अभी भाई जैसा आया हो ना तो एक बर्थडे में आपने लास्ट देखा होगा, अभी इसका बर्थडे गया थोड़े दिन पहले, तो जैसे मैंने वो वीडियो में कहा था कि उत्तर बुहार तक चली जाए वीडियो गुड़गांव वाली तक, तो उन्होंने वीडियो देख ली कि मजा नहीं आया, 20,000 कहा कह रही तेरी बुआ, कैसे दोस्त है 20,000 खर्च करवा के वीडियो कह रहे मजा ना। ओ भाई मैं तो उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा था कि मतलब वैल्यू फॉर मनी नहीं था, उससे कम प्राइस में मतलब कंपैरिजन कर रहा था कि कहीं और करते तो ज्यादा अच्छा हो जाता फीडबैक,
अब उनको ऐसे लगा कि ऐसे कह रहे 20,000 रुपये उठ के मजा भी नहीं आया। छी यार वेरी बैड यार। मैंने संदीप डर फोन करो, क्या कह रहा, मैं कह रहा मौसी के आ जा है, मुझको आ जा ठीक आ रहा हूँ, जब कह एट द मोमेंट कह रहा भाई स्विच चल मैं आ रहा हूँ, फोन स्विच ऑफ कर लियो भाई, फोन स्विच ऑफ भैया कुछ भी कर सके। मैं तेरी तारीफ कर रहा हूँ कि एक सलेरियो वाला देखो कितना शरीफ आदमी है, तेरी है ना यो, यो ना मेरी तो यू ही तो है सीएनजी यार तू बेच रहा है अजीत लेने कह रहा यार। चलो भाई अब करते हैं अपना कार्यक्रम। एक भाई और आ रहे हैं भाटी भाई जो बर्थडे पे कुछ ज्यादा ही अच्छे से डांस कर रहे थे, उनसे मिलेंगे, उनसे पूछेंगे भैया अब ठीक ठाक हो, अब हो गया मामला स्टेबल वगैरह। लोग तो आप पे भी कह रहे थे भाई जूस पी लिया, जूस पी भाई दिखाइयो देख भाई जल हाथ में, अगर मैंने कोई जूस पिया हो तो। यही है भाई ज्यादा ऑनेस्ट हो जाओ ना फिर पब्लिक ऐसे लगती है कि भाई ये। चलो भाई अब थोड़ा चलते हैं, क्या आए थे तो भाई भाई की गड्डी इसमें कोई तो दो दो शेक पी के आया यार, दो शेक एक मैंने और एक बाटी ने, अलग अलग है, एक एक गुलाबी है और सॉरी ब्राउन है और एक अलग है भाई। इसके पाइप पे गुलाब की पसंद सेम नहीं है क्या? अरे इसके पाइप पे गुलाबी गुलाबी से क्या लग रहा है? नहीं भाई काला पाइप है भाई, सेम पसंद तो सेम होनी चाहिए चॉइस एटलीस्ट, एक तो पहली बार तो कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। चलो चल तो भैया हम किसी काम से आए थे, भाई की गाड़ी में गेड़ी मारते हैं कैसा मजा आता है। ओए तेरे ये इंजन लाइट इतनी वहां पे क्यों है भाई? ये कूल पे ये वाली अभी स्टार्ट हुई है, 5-7 मिनट में होगी यार। यू का सिस्टम है यार, इतने जाड़े थोड़ी पड़ रहे हैं, खराबी तो ना भाई हमें ऐसा थोड़ी हो एक रहे, धीरे धीरे नहीं होता भाई, एकदम बीच में जाती है। अच्छा। कोई नहीं भाई चलता रहता। कैमरा भी ना है हमें, सेंसर भी ना भाई देख आ वैसे टवे रखता मोड़ दूंगा जब ही तू किया है और इंडोवर ऐसा हो रहा है तो आओ समझ गो मैं ठीक है। डेल्टा है तेरी 217 मिली तुमने ना 18 में? नहीं नहीं आई होगी, अब बंद की होगी तेरी मार्केट में, बलेनो ले ली चोरा ने 11वीं क्लास में स्कूल जाए करो यार थे क्या लगा फॉर्च्यूनर पर थोड़ी मेंटेनेंस वाली बात। देखो 4:15 हो गए, अब फोन करता हूँ संदीप भाई को जरा। लो भाई अब तक तू आ गया तो देख ले, भाई देख लो यार 2-3 घंटे हो गए भाई, देखो कैसा फोन स्विच ऑफ किया है इसने। संदीप अगर तू वीडियो देख रहा है आई हेट यू बहुत 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 ज्यादा भाई, मैं भी ऐसे ही करूंगा किसी दिन, हर कुत्ते का दिन आता है। तो भाई अभी हम आ गए तीनों भाई क्राउन इंटीरियर्स मॉल में एप्पल स्टोर पे, क्योंकि मेरा जो नया 15 प्रो ना इसके ईयर पीस में दिक्कत है, सामने वाले में ऊपर वाले में तो बात करते तो आवाज़ साफ नहीं आती, मतलब बेकार सा है, पता नहीं 50-50 टाइम्स होता है अजीब सा, पता नहीं ठीक ऐसे गर्र गर्र सी आवाज़ सी आती है बुरी। उसको एक बार दिखा लेता हूँ, हद होगी भाई भाटी डोरा फ़ोन कर रहा हूँ अब भी। अब भी मेरे पास कोई कॉल नहीं है, उसको नहीं पता हूँ कहाँ है। हाल चल बढ़िया जी, डॉक्टर साहब सुनाओ। बढ़िया, मैं भाई यहीं पे हूँ, बताओ। मैं भाई दिल्ली में हूँ। तो भाई हमने अपना फ़ोन दे दिया है, ये बता रहे हैं क्लीनिंग होगी ईयर पीस की ऊपर वाले की, और उसको कर रहे हैं आज के रात घंटे में हो जाएगा, सब चीज़ अच्छी रहती है यार। हाँ ठीक है, थोड़ा वेट टाइम होता है बस, पर क्लीनिंग करेंगे देखो डिफरेंस आज 50-50 टाइम है, कई बार सही आती है कई बार बेकार आती है, क्लीनिंग करके देख लेते हैं, हमें तो कुछ लग नहीं रहा, डॉक्टर के पास जाके भाई बीमारी ठीक हो जाओ अपने आप देखो हो जाए तो बढ़िया है, नहीं तो ऐसे काम चलाएंगे। 1.5 लाख का फोन लेने के बाद भी भाई देख लो सैड लाइफ, वो सैड लाइफ। आईफोन खराब होने की ट्रीटमेंट ट्रीट चल रही है। भाटी भाई का ब्याह आ गया, भाटी भाई का ब्याह है, पक्की हो गई आज। भाटी भी चिकन खाते हैं, चिकन लग नहीं रहा पर हाथों में कहीं। चलो भाई अपनी मील एंजॉय कर लेते हैं। चलो हो गया भैया हमारा रिपेयर फोन, कैसी नहीं है? भाई अभी कर तो दिया है इन्होंने क्लीनिंग सी डाली है, घंटा लिया है पूरा, अब वो तो पता चलेगा ओवर द टाइम, अभी तो बढ़िया लग रहा है सुनने में, लाउडनेस ही हो गई। भाई अब निकल गए, मैंने यस की गाड़ी में नई चीज़ की खोज देखी है, ये देखो इनको हम नॉर्मली पर्दों को लगा लेते हैं, हटाते हैं तो पूरा हटता है, इसने देखना क्या सेट मामला बनवा रखा है, ये बात ऐसे चैन खुल गई शटर सा खुल जाता है, लगानी है तो 1 सेकंड में देखना कितना सही सोता है यार,
भाई आपने कहाँ से बनवाया इतना अच्छा हो ये? अरे एक जानकार उसने बनाए थे, कस्टमाइज्ड है ये। हाँ ये वैसा नाम है सच में, इतने इतने आम है वो तो ऐसी क्या जरूरत थी भाई, तुझे पूरे क्यों चाहिए थे? अरे जब कर ही रहे हो तो जेड करो ना, उनमें दिख जावे कौन बैठा है। देख रहे हो बाटी साहब? बिल्कुल भाई। तभी आप ये गाड़ी लेके जाते हो क्या, कहीं बाहर भीतर जाना होता है तो आपको? चलो भाई अब चलते हैं दोबारा से किया वगैरह पे और अपनी गाड़ी को उठाते हैं जरा वहां से। झुका कर दिया ब्राइटनेस को। चलो भाई ओके भाई, संदीप भाई का तो फोन नहीं आया अब तक भी। ओके भाई, मैं तो भाई पहुंच गया हूँ। ठीक है भाई, गुड नाइट भाई। ये तो हमें जाने लगा सके, मैं अपनी गाड़ी लेके होता हूँ इसे फरार। देखो भाई मैं चाहता तो क्या कुछ नहीं खा के आ सकता था, डोमिनोज वगैरह वो सब, बट देखो मैं क्या खा रहा हूँ, माँ के हाथ की रोटी आलू मेथी की सब्जी के साथ। कितना मजा आ रहा है भाई, बहुत आनंद आ रहा है।